आज मैं आप लोगों के सामने ताल की रेसिपी लेकर आए हैं। और ये ताल देख लीजिए, इस ताल इसको कहते हैं। और इसको मैं छील के उसके बाद मैं इसकी प्यूरी निकालूंगी और फिर उसके बाद मैं इसकी रेसिपी बनाऊंगी। चलिए पहले इसको छील के तैयार कर लूँ। ये रहा आप लोग के लिए ताल का प्यूरी जो मैंने छान के निकाल लिया है, और मैं इसको चीनी के संग 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। चलिए पहले पका लेते हैं। इससे मैंने कोई पानी नहीं मिलाया पर चीनी मिलाया है, और मेरा ये पल्प जो है एक ताल से लगभग 2 कटोरी निकला है और 1 कटोरी मैंने इसमें चीनी मिलाया। चीनी मीठा जो है अपने हिसाब से डालें। चलिए ये अच्छे से थोड़ा सा चीनी गलने तक इसको मैं अच्छे से पका लूँ। ये मेरा अच्छे से बॉयल्ड हो गया है। मैंने इस समय गैस को धीमा रखा है और मैं इसी समय जो है दूध को भी डाल दूंगी। और ये दूध जो है मेरा फुल क्रीम दूध है जो मैंने बड़ा 1 कप लिया है, इसे मैं डाल दूंगी। और दूध के संग 1 बॉयल्ड आने देंगे, और बिल्कुल चलाना बिल्कुल मत छोड़े क्योंकि नीचे लग सकता है, जल सकता है। जलने से एक ताल की एक अच्छी खुशबू आती है वो ख़राब कर देगा, इसलिए चलाना बिल्कुल ना छोड़े। चलिए 1 बॉयल्ड आने देते हैं। और यकीन मानिए इस तरह का एक, इसको खीर कहते हैं हम लोग बंगाली में, इसको हम लोग खीर कहते हैं, ताल का खीर कहते हैं। एक बार ज़रूर बनाइएगा, और बनाने के बाद आप खाएंगे जब तक कभी भी ताल मिले तो आप लोग मिस तो करेंगे नहीं, ये तो मेरी गारंटी है। चलिए इसको 1 बॉयल्ड आने देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, और मैं इस समय गैस को धीमा कर रही हूँ, और साथ ही साथ नारियल का बुरादा मिलाऊंगी। और मैं इसी को डेसिकेट कोकोनट है क्योंकि मैं इसको मैं मिलाऊंगी, 1 कटोरी है, ज़रूर मिलाइएगा तभी इसका टेस्ट और बढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा। थोड़ा और था उसको भी मैंने मिला लिया, और कोकोनट मिलाने के बाद, नारियल का बुरादा मिलाने के बाद तुरंत चलाइएगा। और यहाँ पे आप बुरादा के जगह आप कच्चा नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि यही चाहिए, नारियल पर ज़रूर मिलाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगी। आपका खीर जो है यानी कि ताल का खीर जो है बन के तैयार है। बस इसको मैं फ्रिज में रख के ठंडा करूँगी, पहले रूम टेम्परेचर में आ जाए उसके बाद मैं इसको फ्रिज में डालूँगी, फ्रिज में ठंडा होगा तब उसके बाद मैं सर्व करूँगी। ऐसा आप लोग भी कीजिएगा तभी खाने में मज़ा आएगा। चलिए अब मैं सर्व करती हूँ आप लोग के लिए, पर थोड़ा ठंडा करके। ये रात आप लोग के लिए ताल का खीर जो कि बहुत ठंडी है, बहुत टेस्टी है। देखिए कितना गाढ़ा है, इसी तरह गाढ़ा बनेगा जब अगर आप लोग थोड़ा सा सबर करके खाएंगे। गर्मा गर्म अच्छा लगता है पर ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर मेरी रेसिपी अगर आप सबको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूँगी दूसरे रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय।